A South Asian Canadian channel. दिल्ली विच 4 दिसंबर नूं MCD दीआं चोणां होण जा रहीआं ने, जिस नूं लै के BJP अते आप पार्टी लगातार एक दूसरे उत्ते वार करदीआं नज़र आ रहीआं ने। हुण आम आदमी पार्टी दे डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने अज सवेरे प्रैस कॉन्फ्रेंस करके BJP उत्ते वड्डा हमला कीता। उन्हां ने कहा कि BJP कोल पिछले 15 साल दा कोई लेखा जोखा जां काम नहीं है जो उन्हां ने दिल्ली वालिआं दे लई कीता होवे। उन्हां कहा कि सिर्फ BJP दे लीडर केजरीवाल नूं गालां ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੋ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਥੀ ਸਕੂਲ ਬਨਵਾਨਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਨਵਾਨਾ, ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਪੇ ਕਾਮ ਕਰਨਾ, ਸੜਕੋਂ ਪੇ ਕਾਮ ਕਰਨਾ, ਯੇ ਸਭ ਕਾਮ ਖੂਬ ਕੀਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਕਾਮ ਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ BJP ਕੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚਲਾਣੇ ਕਾ ਜਬ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਤੋ BJP ਕੋ MCD के जो मूल जिम्मेदारी थी 15 साल में, उस पर भाजपा ने कुछ नहीं किया। आज आम आदमी पार्टी के काम गिनाने के लिए कहीं भी खड़े हो जाओ जनता के बीच में, खूब लोग काम गिनाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम के बारे में बात करो तो 15 साल में जनता भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम नहीं गिनाती। और एक जनता तो छोड़ दो, BJP के लोगों के पास भी अपने 15 साल के काम गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है। आप सुबह से शाम तक देखो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके नेताओं के भाषण होते हैं, उनके नेताओं के रोड शो होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच जाके कहे कि हमने 15 साल काम किए थे इसलिए हमें वोट दे देना। सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के नेता केजरीवाल जी को गाली दे दे के वोट मांगते हैं। जनता कहती है भाई क्यों वोट दें, केजरीवाल जी को एक गाली दे देते हैं। जनता दूसरे मोड़ पर फिर पूछती है क्यों वोट दें आपको, फिर केजरीवाल जी को गाली दे देते हैं। उनका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है उससे पूछते हैं लोग भाई क्यों वोट दें, केजरीवाल जी को गाली। उनके मुख्यमंत्री आते हैं भाई क्यों वोट दें, आपने 15 साल में कुछ किया नहीं, किस लिए वोट दें, कोई एक काम तो गिनाओ, केजरीवाल जी को 4 गाली। तो सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह उठते हैं पानी पीने के बाद से केजरीवाल जी को गाली देने के साथ शुरू करते हैं, और रात को जब सोते हैं तो केजरीवाल जी को गाली देने के साथ सोते हैं। उनका काम एक ही है 24 घंटे, केजरीवाल जी को गाली देना, केजरीवाल जी को गाली देना, केजरीवाल जी को गाली देना। MCD का चुनाव नहीं लड़ रहे, केजरीवाल जी को गाली देने का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कॉम्पिटिशन उससे है। तो हम उस तूतू मेमे की उसमें नहीं है, हमारे पास काम है, उनके पास गालियाँ हैं। हमने जनता का प्यार जीता है, वो केवल नफरत करना जानते हैं, वो नफरत बांट रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं। तो आज से हम लोग एक नया कैंपेन पूरी दिल्ली में लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नारा है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। ये कैंपेन पूरी दिल्ली में अब चलेगा, क्योंकि MCD में केजरीवाल की गूंज तो पूरी दिल्ली में चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ वार्ड, जैसा केजरीवाल जी कह भी चुके हैं 20-25 वार्ड ऐसे हैं, 20 वार्ड जहां शायद भारतीय जनता पार्टी जीते। तो इसलिए मैं उन 20 वार्ड के लिए भी और बाकी वार्ड के लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार है ही, नगर निगम में भी केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, ये अब तय हो चुका है। ऐसा ना हो जाए कि नगर निगम में केजरीवाल जी की सरकार है और किसी इलाके में BJP का पार्षद चुना जाए तो वो केवल लड़ता रहे, क्योंकि केजरीवाल जी काम कराएंगे, केजरीवाल जी साफ सफाई करेंगे, केजरीवाल जी सड़कें बनवाएंगे, केजरीवाल जी पार्क ठीक करेंगे, केजरीवाल जी स्ट्रे एनिमल्स से छुटकारा दिलाएंगे, और उधर BJP का पार्षद बैठ के केवल लड़ता रहे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों को आगाह करते हुए हम ये अभियान लॉन्च कर रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार तो MCD में बनी रही है, लेकिन हर एक वार्ड के लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि जब MCD में भी केजरीवाल जी की सरकार है तो केजरीवाल की सरकार केजरीवाल का पार्षद होना चाहिए, क्योंकि वो काम जो केजरीवाल जी के पार्षद कराएंगे वो कभी भी BJP के पार्षद नहीं करा सकते। BJP के पार्षदों का केवल एक ही काम रहने वाला है चुनाव के बाद, केजरीवाल जी से लड़ना, क्योंकि MCD में केजरीवाल जी की सरकार होगी और BJP के पार्षद जहां भी 2, 4, 6, 10 होंगे वो केवल और केवल केजरीवाल जी से लड़ेंगे। उनका काम सुबह से शाम तक यही होगा, केजरीवाल जी सड़क बनवाएंगे ये सड़क रोकेंगे, केजरीवाल जी साफ सफाई कराएंगे इनके पार्षद साफ सफाई रोकेंगे। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की सरकार तो आप MCD में बना ही रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति ये सुनिश्चित करे कि उसके इलाके में पार्षद भी केजरीवाल जी का ही हो, क्योंकि अगर BJP का पार्षद गलती से बन गया किसी वार्ड में
तो वो काम नहीं होने देगा वहाँ पे, काम रोकेगा, सड़क नहीं बनने देगा, साफ सफाई नहीं होने देगा, नाली नहीं बनने देगा, जो भी केजरीवाल जी काम कराएंगे उसको रोकेगा। तो इसलिए केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में है ये अब तय है, लेकिन हर वार्ड में अब हमको सबको लोगों को सुनिश्चित करना है कि केजरीवाल जी की सरकार और केजरीवाल जी का पार्षद, यही कैंपेन हम आज से लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू। खड़े होकर सर्वे और आकलन, जनता का मूड सब एकदम एक ही तरफ है कि केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में भी बननी है, और भारतीय जनता पार्टी के पास ना काम है गिनाने के लिए, ना कोई एजेंडा है, ना इन्होंने कभी ये सोचा कि 15 साल में कोई काम किया तो जनता से उस पर बात कर लें भाई क्यों नहीं कर पाए, और ना अब इनके पास ये है कि अगले 5 साल क्या करेंगे। जनता पूछती है अगले 5 साल क्या करोगे, उसमें भी केजरीवाल जी को गाली देते हैं, 15 साल क्या किया पिछले उसमें भी केजरीवाल जी को गाली देते हैं, तो इनके पास ना आगे की कोई दिल्ली की योजना है। आज भारतीय जनता पार्टी केवल गाली पर चुनाव लड़ रही है, और अरविंद केजरीवाल जी अपने काम पर और साथ साथ एक उम्मीद कि दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे, दिल्ली के पार्कों को ठीक करेंगे, दिल्ली के मार्केट्स को रिश्वतखोरी से निजात दिलाएंगे, इस उम्मीद पर चुनाव लड़ रहे हैं। A South Asian Canadian channel.